जंगल के अंदर, नेचर के साथ, नेचर के पास, और उसका जो संगीत होता है उसके साथ रहने का मज़ा ही कुछ अलग है। हम दो दिन के लिए केरला का डीप फॉरेस्ट, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व के अंदर रुके, टेंटेड एकोमोडेशन में रुके, सफारी में गए और ढेर सारे वाइल्ड एनिमल स्पॉट किया। और आज हम चलेंगे एक नेचर वॉक में, फिर थोड़ा बहुत साइट सीइंग करेंगे और देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हम सो ही थे, वो फॉरेस्ट गार्ड ने आके नॉक करके उठाया, सर हाथी आया है प्रॉपर्टी में, आ जाओ घर के, अभी जा रहे हैं। नींद जस्ट खुला, वैसे सुबह हो चुका है, पता नहीं कितना टाइम हो रहेगा, 6 बज रहा होगा, दिखाता हूँ आपको, बड़ा सा टस्कर है ये, देखो सब लोग आ गए इधर। ये मेरा कॉटेज है, एक कॉटेज के पीछे कितना बड़ा है, उधर है, देखा ये देखो आयुष्मान का एक्साइटमेंट लेवल कहाँ है। हाँ इधर ये देखो उड़ गया होगा। हाँ इट कैन खेल रहा है वो, वाडा ब्रेकफास्ट टाइम उसका हाथी का, हमारा नहीं देखा। लेकिन मैं बोला था ना पहले कि बाउंड्री नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि इधर देखो इतना बड़ा खड्डा कर दिया है, तो फेंसिंग भी है, मतलब हिरन विरन आ सकता है लेकिन हाथी नहीं आ सकता, पूरा बाउंड्री में है खड्डा, बहुत बड़ा खड्डा है, तो ये क्रॉस करके तो नहीं आ सकता। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत, आयुष्मान आपको स्वागत करते हैं लाइव टू एक्सप्लोर में। आयुष्मान थोड़ा जल्दी में है क्योंकि हम अभी ट्रैक में जा रहे हैं। वैसे वी आर एट पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, हम इधर कल रात रुके, पूरा बहुत मज़ा किया, सफारी में गए, बाम्बू राफ्टिंग, ट्राइबल डांस। आपने अगर वो ब्लॉग नहीं देखा होगा तो पिछले वाला ब्लॉग देख सकते हो। आज हम जाएंगे ट्री हाउस में स्टे करेंगे ओवरनाइट, चारों तरफ पानी होगा, एक अलग सा एक्सपेक्टेशन से अभी देखते हैं। फिलहाल अभी निकल रहे हैं, आयुष्मान अभी सू पहन के रेडी हो रहा है, ट्रैक के लिए जाएंगे, एक जंगल ट्रैक है मॉर्निंग में, फिर ब्रेकफास्ट करके इधर से चेकआउट करके दूसरा जगह प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी में जाएंगे ट्री हाउस वाला। ओके तो मानी रेडी हो रही है अंदर, वैसे वो चाह तो पीते नहीं, तो मैं जाके चाय पी के निकलता हूँ। जा आयुष्मान, तू ये सू पहन के आ जा जल्दी, मैं तब तक चाय पी लेता हूँ, टाइम हो रहा है, 10 मिनट में निकलने वाले हैं हम लोग ट्रैक के लिए, बर्ड वॉचिंग एंड ट्रैकिंग। और वैसे सुबह सुबह तो इधर इतना सारा पंछियों का आवाज़ आता है, मोर का आवाज़ आता है, नींद तो ऐसे ही खुल जाता है। और हमारा शुरुआत तो हुआ आज हाथी देख के, इतना बड़ा हाथी आ गया था, अभी भी है शायद उधर, उसका ब्रेकफास्ट कर रहा था, सो एक्साइटेड यार, इतना क्लोज कॉटेज से वाइल्ड एलिफेंट, वो भी टस्कर, थैंक यू। सूरज देवता निकल गए, हम ट्रैक के लिए रेडी हो गए, आयुष्मान मामा भी आ गई, ये हमारा कॉटेज है सामने, आयुष्मान मामा आ रही है, गन 2 किलोमीटर ट्रैक, तो जाना आना 4 किलोमीटर हो जाएगा हमारा, मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। देखो मोर 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 जा रहे हैं हमारे, उधर मोर जा रहे हैं, देख रहे हैं ये लोग इधर खड़े हैं, उधर मोर, आयुष्मान धीरे धीरे भाग जाएगा वो, ये देखो भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया
अभी ऐसा जगह पे रहना कहाँ मिलता है यार, मतलब हाथी आता है एकदम पास कॉटेज के पीछे, जस्ट नॉट इवन 100 मीटर। जब मसीनागुड़ी में थे वैसे ही टाइप का ना। हाँ, मसीनागुड़ी में भी ऐसे था, मोर भी पूरा हमारा टेंट के पास ही ऐसे घूम रहे थे, हाथी। और हमने टेंट लगाया था उधर, तो टेंट लगाया था और बाजू में 50 मीटर्स में भागे हाथी गौर। हाँ। पूरा झुंड रात को। ये तो चलो बहुत सेफ है वो। हाँ। तो मतलब सिर्फ टेंट ही था, लेकिन उधर था, उधर भी फेंसिंग था, लेकिन हाँ। हाथी के लिए क्या फेंसिंग यार, एक पैर उसमें डालेगा। हाँ। और मैं देखा भी है वीडियो, वो आराम से पैर डाल के गिरा देते हैं फेंसिंग को, लेकिन इधर थोड़ा प्रोटेक्शन है क्योंकि ऐसा खड्डा खोद लिया। हल्ला ना आयुष्मान वैसी वीडियो नोची मयूर। इसको बोलते हैं रियल गाना। हम क्या इधर उधर का गाना सुन के खुश हो जाते हैं। कैसा गाना गाया इतना छोटा सा पंछी, देखो मतलब इतना ये ऐसा लग रहा है हर एक दूसरे से बात ही कर रहे हैं सब। वर्थ कोटिंग दिस, महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट, पॉज करके पढ़ लो थोड़ा, इट्स रियल। लंगूर 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 का आवाज, ये तो हमारे गांव में भी आता है लंगूर। टोमेटो सार्ड मलयालम करमरुदुन पूरा क्रोकोडाइल का स्किन के जैसा। एक दिख रहा है पिकअप, लेकिन बहुत सारा है, कम से कम 10-12 तो दिख रहा है इधर से मुझे, लेफ्ट राइट ये सब हर जगह। See this combination of tree? ये tree के ऊपर दूसरा वाला tree? Wow! और दोनों का कलर देखो एकदम अपोजिट, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लड हो जाएगा पूरा, पूरा जोर से कर, सी ब्लड कलर। स्मेल हो रहा है कुछ? ब्लड। हाँ, ब्लड जैसा हो गया ना। भालू? हाँ भालू ने ये खोदा है ना? और हाँ, हमारे वो जो ट्रैक गाइड है रेंजर, उनको और दो बंदे को भालू देखा, ऐसा भालू क्रॉस किया। हम जब तक उधर आए थे वो निकल गया था। और बहुत सारे नीलगिरी लंगूर तो दिखते ही हैं, बहुत दूर रहते हैं इसलिए हमको कैप्चर नहीं कर पाते उसको।
टाइगर, ओ टाइगर ने उसका क्लॉ में ये क्या स्क्रैच किया है। वाओ, अभी एक ब्यूटीफुल सा लोकेशन में हम पहुंचे। इधर से पूरा खुला दिखता है जंगल। अभी तक घने जंगल के अंदर से होके आ रहे थे और देन दिस स्पॉट वाइड ओपन। किंगफिशर हाँ, ये देखो हाथी तो आता ही रहता है, ये एलिफेंट डंक। एक्चुअली ट्रैक कर रहे थे ना, ये देखो एलिफेंट आ गया आगे, सामने दिख रहा है आपको, ये देखो मूव कर रहा है उधर, दिख रहा है आपको, इसलिए वो ट्रैक गाइड ने बोला वापस आओ करके। वो टस्कर है वो भी, हाँ लो भी आशी, ये देखो ये थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही हम जा पा रहे हैं। बाप रे कितना बड़ा है, अब ये डेंजर रहता है। एक तो भालू दिखा लेकिन हमको नहीं दिखा यार, दो तीन जन को दिखा, भाग गया भालू। और ये अभी टस्कर इधर ही खड़ा था हमारा रोड के सामने, इसलिए सब हम भाग गए आगे वापस। तो एक से क्या डेंजर, लास्ट टाइम में आ गया है? लास्ट है, जस्ट पहुंचने को थोड़ा टाइम था ही आ गया। और भालू भी देखे लोगों ने, हमने नहीं दिखा, नहीं देखा। हाँ तू देखा भालू का पीछा, दे पिछवाड़ा देखा बैक साइड राइट। चलिए हम अभी इधर से मतलब ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करेंगे, फिर हमारा ट्री हाउस में चेक इन करेंगे। इसको अभी थोड़ा फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। टाइम टू प्रोसीड टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हम ब्रेकफास्ट करके रेडी होके निकल रहे हैं। इधर से पता नहीं, शायद हमारे साथ कोई फॉरेस्ट गार्ड जाएगा, क्योंकि हमारा गाड़ी लेके जाना पड़ेगा उधर तक, फिर उधर से पता नहीं जैसा है आपको दिखाऊंगा। तो लेट्स गो, चले आयुष्मान। ओके हम जा रहे हैं अभी पेरिवरी आइलैंड नेस्ट, उसके लिए एक ट्रेक गाइड, उनका जो फॉरेस्ट का फॉरेस्ट गार्ड है ना, वो साथ में जाना जरूरी है, क्योंकि एकदम जंगल है और कहाँ जाना है कहाँ है वो जगह हमको कुछ नहीं पता है, और वाइल्ड लाइफ भी आ सकता है सामने, तो इसलिए आपके साथ एक जाएगा फॉरेस्ट गार्ड। तो हम उसके लिए वेट कर रहे हैं, एक मिले थे फॉरेस्टर, लेकिन सिर्फ उनको सिर्फ तमिल ही पता है, मतलब एक दो वर्ड ऐसा इंग्लिश या ऐसा कुछ बोलेगा तो चलेगा, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट्स सी उनको आने दो, सिर्फ तो ड्राइव है। वैसे इन लोग को थोड़ा वो समझ में तो आ ही जाता है, मान्य और आयुष्मान को तमिल, हम लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है हमको, आप टेक्नोलॉजी में कुछ भी बोलो एक हफ्ते में सीख जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज 10 साल नो प्रॉब्लम, कम लैंग्वेज कितना भी साल हो पल्ले नहीं पड़ता हमारा, पता नहीं क्यों।
हमें भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा ठीक है, उतना भी चाहिए ना, थोड़ा बहुत समझना आना चाहिए, वही थोड़ा कमजोरी है हमारा लैंग्वेज सीखना। आयुष्मान को देखो चार चार लैंग्वेज समझ लेता है लेकिन बोल नहीं पाता। हाँ, बोल लेगा, उसमें क्या है, और थोड़ा टाइम देना दो हमको, तो इतना साल हो गया फिर भी नहीं सीख पाए कुछ। इप्पो वंदा देन कहता, इप्पो कलेले वंदा देन। अभी दिस साइड दैट साइड। सही सही। अल्लाह इप्पो वेकेट स्टेक वंदा इप्पो। स्टेक स्टेक स्टेक। तेरी पर। ओराउंड। तेरे में लगी तेरी। ओके ओके। कर सर। ओके। परमिकलम पालका डिस्ट्रिक्ट मुद्रामड़ पंचायत। ओके। आनमले टाइगर सर वंचे। आनमले दैट साइड। हाँ तमिल तमिलनाडु साइड। केरला साइड परमिकलम। परमिकलम। डाम ट्राइब नेम फोर ट्राइब मलसर मलमलसर कार्डर मुद्वेस। ओके फोर, तो फोर ट्राइब है ये जो है पूरा एकदम ट्राइबल का है राइट, इधर परम्बिकुलम से लोकल लोकल ट्राइब, लोकल ट्राइब। तो इसलिए उन बोलते हैं कि मैं स्कूल नहीं गया तो ओनली तमिल पता है और मलयालम पता है बाकी कुछ नहीं पता, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड। प्रोटेक्शन। हां फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वी आर डूइंग गुड जॉब। एको टूरिज्म, एको डेवलपमेंट। या ఏ టూర్సన్ తొడగనది విజయనంద సార్ తమిళనాడు ఈరోడ్. ఓకే ఓకే. అయ్యప్పస్ ఈరోడ్. ఈరోడ్ ఆ టోటి జాయింట్ పనిటది. ఆ ఓకే. నన్న ఎల్ల డంబర్ విస్తా. ఓకే. డామ్ వర్క్ భాయ్ సచ్ మే ఆజ్ కా జో స్టే హోనే వాలా హై నా ఉస్కే బారే మే మత్లబ్ మే జిత్నా సోచా థా ఉస్ మత్లబ్ ఉస్సే కహీ జ్యాదా एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो आपको रिजर्वर दिख रहा है दिख रहा है राइट, इधर एक आइलैंड है दिख रहा है, ये आइलैंड, ये पूरा आइलैंड हमारे लिए है और पानी के सामने वो कॉटेज है ठीक है, उधर स्टे करेंगे सिर्फ एक कॉटेज, मतलब सिर्फ हम हैं और कोई नहीं उधर, ओब्वियसली फॉरेस्ट गार्ड रहेंगे फॉर सेफ्टी, लेकिन ये पूरा सेफ्टी है, चारों तरफ पानी है तो वाइल्ड लाइफ उधर आना थोड़ा मुश्किल है, ओब्वियसली कनेक्टेड मुझे दिख रहा है एक जगह, बट एटलीस्ट फॉरेस्ट गार्ड रहेंगे तो ये एक्सपीरियंस, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, और फॉरेस्ट गार्ड बोला कि एक बार उधर चले गए तो वापस नहीं आ सकते, आपको उधर ही स्टे करना है, तो हम काम करेंगे घूमेंगे पहले इधर ये जगह पे, सिर्फ ये जगह पे नहीं और बहुत सारा जगह वो लेके जाएंगे, मुझे लगता है जो पिछला ब्लॉग में जो सब जगह कवर किए राइट वही सब जगह हम घूमेंगे, हमारा गाड़ी में घूमेंगे पर्सनल गाड़ी में, फिर इवनिंग को 4 o'clock को उधर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि 4 o'clock के बाद और कुछ करना नहीं है, उधर बैठ के आराम से वाइल्ड लाइफ वॉच करना है। आयुष्मान देखा ना वो जो आइलैंड है, वो आइलैंड पूरा सिर्फ हमारे लिए, पूरा आइलैंड है और उसमें एक कॉटेज है ट्री हाउस, उसमें रुकेंगे हम। पूरा आइलैंड को ऑन करेंगे, पूरा आइलैंड को ऑन करेंगे, अभी फॉरेस्ट गार्ड ने गया है मेरा रिसिप्ट दिखा के इन्फॉर्म करके आएगा कि हाँ गेस्ट आ चुके हैं और हम घूम के आएंगे 4 o'clock करके। तो अभी जस्ट एक सिनेमेटिक क्लिप के थ्रू आपको दिखाऊंगा जितना जगह मैं कवर करूंगा, क्योंकि प्रीवियस ब्लॉग में डिटेल में मैंने दिखाया था, अभी सिर्फ अगर कुछ ऐसा वाइल्ड एनिमल आए या व्यू पॉइंट ये सब थोड़ा बहुत आप देख लो फिर जाएंगे, वो जगह मैं डिटेल में कवर करूंगा और बताऊंगा भी ये इसका क्या प्राइस है और कैसे बुक किया, ये सारे डिटेल भी बताऊंगा मैं उधर पहुँचने के बाद। आप लोगों ने जो देखा प्रीवियस ब्लॉग में वही जगह ही हम घूम रहे हैं, सिर्फ हमारा हमारी व्हीकल में घूम रहे हैं गार्ड के साथ, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और एक्चुअली हमको पता नहीं था इधर राइट कौन सा स्टे है कौन सा बुक करना है, लेकिन हमने जो डिसीजन लिया जो चीज़ बुक किया वो एकदम सही था, क्योंकि जितने भी फॉरेस्ट गार्ड से हम मिले वो सब बोल रहे हैं सर ये पूरा पारामिकुलर में 2 stay सबसे बेस्ट है, एक तो टेंटेड नीचे जो कि हमने प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया, दूसरा है पुरवरी आइलैंड
पुरवरी आइलैंड है ना। हाँ, पुरवरी आइलैंड, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर होता है, तो वो वाला भी बेस्ट है। मतलब इधर आइलैंड स्टे दो है, वर्टिकल आइलैंड करके दूसरा है, ये है ना वर्टिकल, वर्टिकल अलग साइड है, हम जिधर बोटिंग किए थे कल ना, वो साइड है। लेकिन पुरवरी आइलैंड बेस्ट है, टेंटेड नीचे वो वाला एकोमोडेशन बेस्ट है, क्योंकि देखो आप इधर हनीकॉम है, हनीकॉम जो है वो एसी स्टे है, लेकिन हनीकॉम स्टे में भी आपका पर्सनल व्हीकल के साथ गार्ड जाएगा, सफारी होगा, वो सब में क्या होता है दिन भर ही होगा, रात को नहीं। हाँ, दिन भर होता है, दिन भर 6 बजे तक रिटर्न हो जाता है, सब 6:30 तक रिटर्न हो जाता है, सिर्फ टेंटेड नीचे वाले वो रात का सफारी रहता है, मतलब 8 बजे 8:30 तक वापस आते हैं, तो वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। और सेम फॉर दिस आइलैंड स्टे, आइलैंड भी एकदम ब्यूटीफुल सा है और काफी स्पेशियस जगह है, वो भी सबसे बेस्ट है करके बोले, हम तो देखा नहीं, जाने के बाद दिखाएंगे। हम ज्यादा क्यों कवर नहीं करें, क्योंकि सेम सेम जगह घूम रहे हैं, तो फिर से वही जगह दिखाने के मतलब नहीं है। अभी इधर से हम जाएंगे, जाने के बाद लंच करेंगे एक जगह पे, लंच करने के बाद हम चले जाएंगे, हमारा जो आइलैंड नेस्ट ट्री टॉप है उधर चले जाएंगे, फिर उधर आपको दिखाते हैं डिटेल में, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर लोग तो वो देख रहे हैं, देखेंगे और उधर सिर्फ एक ही फैमिली जा सकता है, मल्टीपल नहीं, एक ही फैमिली जा सकता है। तो ये फिर से हम सेम पारामिकुलम डैम में है, पानी थोड़ा कम लग रहा है। खाना खा लेते हैं, टाइम तो हो गया है 1:00 ऑलमोस्ट, लोकल शॉप में। तो सांबर राइस, ये क्लस्टर बीन्स वाला, और ये पत्ता गोभी, हमारा इधर नॉर्मल जैसा केरला में ट्रेडिशनल रहता है ना वैसा है, मील है लोकल होटल में। गरम है, बहुत गरम है, भातड़ा बेही जो नहीं सांबर ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಂಬಾರ್।